आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्ड हीरो में कैसे आर्टिकल लिख सकते हैं बट विदाउट लॉन्ग फॉर्म। ये एक बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है हमारी कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि वर्ड हीरो की लाइफ टाइम डील अवेलेबल है जो ऐप सोमो के ऊपर, उसे आप बाय कर सकते हैं $89 में वो है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म के लिए ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हम लॉन्ग फॉर्म बाय ना करें, जस्ट वर्ड हीरो की उसी लाइफ टाइम डील को हम ग्रैब करें, तो हम कैसे कॉन्टेंट लिख सकते हैं। आज इसका एक डेमो मैं आपको दूंगा कि अगर आपके पास लॉन्ग फॉर्म नहीं है तो आप वर्ड हीरो को यूज करके कैसे अपना कंटेंट लिख सकते हैं बड़े ही जबरदस्त तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यस, आज हम देखेंगे विदाउट लॉन्ग फॉर्म आप वर्ड हीरो AI को यूज करते हुए कैसे कंटेंट लिखेंगे। कंप्लीट आर्टिकल हम लिख के देखेंगे, पूरा वर्क फ्लो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई, वर्ड हीरो की लाइफ टाइम डील अवेलेबल है अभी भी, खुशकिस्मती से अभी भी लाइफ टाइम डील इसकी मौजूद है, तो आप वो बाय कर सकते हैं। $89 जस्ट वन टाइम पेमेंट है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे बाय कर सकते हैं। वर्ड हीरो क्योंकि एक बड़ा ही जबरदस्त टूल है, फिर मेरा पूरे 20 मिनट का इसके ऊपर रिव्यू है कि वर्ड हीरो आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो रिव्यू आप ऊपर आई कार्ड में भी देख पाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक कर दूंगा, आप वो रिव्यू देख लीजिएगा अगर आपको इसके बारे में मजीद जानना। बाकी मेरा पूरा कोर्स मौजूद है वर्ड हीरो के ऊपर, चैनल में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको वर्ड हीरो का कोर्स मिल जाएगा। उसको देखने के बाद आप सीख सकते हैं कि वर्ड हीरो में आप कंटेंट कैसे लिखेंगे, किसी भी किस्म का, कमर्शियल हो या इंफॉर्मेशनल। अच्छा, पहले डिस्कस कर लें कि लॉन्ग फॉर्म के बेनिफिट्स क्या हैं और लॉन्ग फॉर्म अगर आप नहीं लेते तो आपको क्या कोई नुकसान होने वाला है या नहीं। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म बेसिकली एक सेपरेट पेज आपको मिल जाता है, एडिटर आपको मिल जाता है कंप्लीट, जिसके अंदर साइड में आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं जो वर्ड हीरो आपको ऑफर करता है। आपको टेम्पलेट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप वन क्लिक से, अगर लॉन्ग फॉर्म लेते हैं तो आपने अगर पैराग्राफ जनरेट करना है तो आप वन क्लिक से कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग फॉर्म नहीं है तो आप टेम्पलेट में जाएंगे, वहां से ब्लॉक पैराग्राफ की टेम्पलेट को ओपन करेंगे और उसके अंदर इनपुट देंगे और फिर आपको वो पैराग्राफ मिलेगा। तो एक थोड़े सा बेनिफिट जो है वो लॉन्ग फॉर्म मिला के उसमें आप सिर्फ वन क्लिक से पैराग्राफ जनरेट करते हैं, बाकी वहीं पे आप उसी एडिटर के अंदर अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं और वहीं पे आपकी फाइल बन रही होती है। लेकिन लॉन्ग फॉर्म अगर आप नहीं लेते फिर आपको सेपरेट एक डॉक्स की फाइल या वर्ड ओपन करना पड़ेगा, उसमें आप वर्ड हीरो में कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे और डॉक्स में जाके सेव कर रहे होंगे, तो सेपरेटली आपका एक आर्टिकल बन रहा होगा। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, बस यही इसका डिसएडवांटेज है अगर आप लॉन्ग फॉर्म नहीं लेते। तो मेरी अब आगे कुछ वीडियोस भी आने वाली हैं, क्लोजर्स कॉपी और वर्ड हीरो को मिला के आप कैसे कंटेंट लिख सकते हैं, न्यूरॉन राइटर और वर्ड हीरो, न्यूरॉन राइटर और क्लोजर्स कॉपी, ये सारे वर्क फ्लोज की वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने इसे बाय नहीं किया वर्ड हीरो को तो आप ज़रूर करें इसको, मैं रिकमेंड करूँगा। नीचे लिंक होगा लाइफ टाइम डील का, उस पर जाएँ, $89 में आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं वर्ड हीरो के अंदर आ चुका हूँ, अब ये जो एडिटर ऊपर आपको दिख रहा है, मैंने तो वैसे बाय किया हुआ है, अब इसको आप भूल जाएं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ही नहीं, ये जो टेम्पलेट्स हैं इन्हीं को यूज करते हुए आपने कंटेंट लिखना है। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म में एक बार जाते हैं, यहाँ से एडिटर में मैं जाता हूँ, मैं आपको दिखाऊं कि उसका क्या इंटरफेस है या क्या बेनिफिट आपको उसमें मिलता है। ये है लॉन्ग फॉर्म एडिटर और शुरू में जो आपने टेम्पलेट्स देखे वही लॉन्ग फॉर्म में आपको यहाँ पे ये वर्ड हीरो दिखा रहा होता है, लेकिन यहाँ से आप टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं या फिर ये जो बार है ना, ये सारे पैसे इसके हैं, मतलब यही बटन्स आपको हेल्प करते हैं जल्दी कंटेंट क्रिएट करने में और यहीं पे आपका कंटेंट क्रिएट हो रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड्स, अगर आपके पास सिर्फ वर्ड हीरो है, लॉन्ग फॉर्म नहीं है, तो फिर आपके पास यही टेम्पलेट्स का एक्सेस होगा, इन्हीं को यूज करते हुए आपने कंटेंट लिखना है और सेपरेट आपके पास एक डॉक्स ओपन होना चाहिए जिसके अंदर अपना कंटेंट आप जनरेट करते जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। अब हम स्टार्ट लेते हैं। अब सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल लिखना चाहते हैं, लेट्स से एक सिंपल टॉपिक मैं पकड़ता हूँ, हाउ टू बिकम अ ड्रोन पायलट। अब ये एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट इसके ऊपर हम क्रिएट करते हैं वर्ड हीरो को यूज करते हुए विदाउट लॉन्ग फॉर्म। तो अब ये हमारा मेन कीवर्ड है, इसके ऊपर हम कंटेंट लिखना चाहते हैं, इस कीवर्ड को मैं कॉपी करूंगा, हम आ चुके हैं वर्ड हीरो के अंदर। अब स्टार्ट हम कैसे लेते हैं आर्टिकल का, कि इंट्रो हमें चाहिए होता है, तो मैं सर्च बार में आके इंट्रो टाइप करूंगा तो मेरे सामने इंट्रो का ब्लॉक या आप उसे टेम्पलेट कह सकते हैं, ब्लॉग इंट्रो आ चुका है। इसके अंदर मैं अपना कीवर्ड पेस्ट करता हूँ, सिंपली यही इनपुट काफ़ी है, मैं यहाँ से राइट फॉर मी करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कमर्शियल आर्टिकल भी आपको लिख के बताऊँ विदाउट लॉन्ग फॉर्म तो भी मुझे नीचे बताइएगा, हम फिर उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे आप देखें, मैंने सिर्फ अपना कीवर्ड एंटर किया, हाउ टू बिकम अ ड्रोन पायलट, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे इंट्रो पैराग्राफ्स आ चुके हैं। ड्रोन पायलट्स आर हाई इन डिमांड एज कमर्शियल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंगली लुक्स टू ड्रोन फॉर द वैरायटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग
surveillance, packages, deliveries, and photography. Becoming a drone pilot is not as difficult as one might think and only requires a few steps. First, a potential pilot should research the type of drones available and decide which is the right for them. Next, they should be obtain the necessary training and certifications. Finally, they should stay up to date on the latest drone technology and regulations. ये अब एक अच्छा पैराग्राफ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास कॉपी हो गया। मैं आ गया हूँ गूगल डॉक्स के अंदर और मैं यहाँ पे अपना इंट्रो पैराग्राफ पेस्ट कर दूंगा। इनको मैं दो पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दूंगा। ये देखें, अब ये हमारे पास एक यूनिक पीस ऑफ कंटेंट आ चुका है और दो पैराग्राफ्स हमने इंट्रो में क्रिएट किए हैं। ऊपर मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं, हाउ टू बिकम अ ड्रोन पायलट। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको टाइटल में दे देता हूँ, ये हमारा टाइटल है। अब हमने स्टार्ट ले लिया, इंट्रो हमारे पास अच्छा आ गया। अब देखें, इससे हमने अपनी आउटपुट ली, लेकिन यहाँ पे इस कंटेंट को रखने की जगह नहीं है। जगह वही होती है लॉन्ग फॉर्म, जो हमने हमारे पास है नहीं। फिलहाल हमें गूगल डॉक्स पे ही गुजारा करना पड़ेगा। अब इसे बंद करते हैं। अब जैसे हमें एक हेडलाइन क्रिएट करनी है, अपना टाइटल तो हमने क्रिएट किया ही नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडलाइन, और हेडलाइन का भी पैराग्राफ टेम्पलेट आपको मिल जाता है, ये अपडेटेड, ये लास्ट कुछ ही दिनों में अपडेट हुआ है, तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट्स लाते हैं अपनी हर अपडेट के अंदर। अब मुझे यहाँ पे अपना एक हेडलाइन क्रिएट करनी है, तो मैं टॉपिक के अंदर अपना ये टॉपिक डाल दूंगा, राइट फॉर मी करूँगा, हाउ टू बिकम अ ड्रोन पायलट 3 स्टेप्स द अल्टीमेट गाइड। ये मुझे अच्छा लगा, इस पर क्लिक करते हैं, ये कॉपी हो गया। मैं वापस आ चुका हूँ अपने डॉक्स के अंदर और मैं ओके, तो ये हमारी हेडिंग भी अब कंप्लीट हो चुकी है। अगेन मैं वर्ड हीरो के अंदर हूँ और हमें अब क्रिएट करनी है एक आउटलाइन, ताकि उस आउटलाइन की बेस पे हम अपना कॉन्टेंट लिखें। तो मैं यहाँ पे अब सर्च कर लेता हूँ आउटलाइन और ब्लॉग आउटलाइन। यहाँ पे हमारे पास एक टेम्पलेट आ चुका है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं अपना टाइटल पुट करता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ राइट फॉर मी। तो अब हमें इसी टॉपिक से रिलेटेड आउटलाइन मिलेगी। तो ये अब हेडिंग हमारे पास आ चुकी हैं, ये अब मुझे अच्छी लग रही हैं। जैसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, फिर रिक्वायरमेंट्स किया है, ट्रेनिंग किया है, गेटिंग सर्टिफाइड, ड्रोन बिजनेस एंड फाइनल थॉट्स। मैंने साथ में एक नोटपैड फाइल ओपन कर लिया है और इन पे मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, नोटपैड में आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फिर अगेन मैं दूसरी हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, नोटपैड में आके पेस्ट करता हूँ। इस तरह से मैं ये सारी हेडिंग्स नोटपैड के अंदर डाल लूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने पूरी अपनी एक आउटलाइन क्रिएट कर ली है जिसके ऊपर हम ये आर्टिकल अब आगे कंप्लीट करेंगे। बाकी मैं यहाँ से ये शुरू में जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ये हटा देता हूँ। ओके, तो ये जो सब हेडिंग्स हैं वो हमने क्रिएट किया है जिनके ऊपर अब हम कंटेंट लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं आ जाता हूँ वर्ड हीरो के अंदर, मैं लिखूंगा ब्लॉग, और हम यहां से पिक करते हैं इस बार ब्लॉग पैराग्राफ। इस पे आते हैं, शुरू में मैं अपनी वही हेडिंग पेस्ट करता हूं। कीवर्ड्स हम यहां पे अब डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे ड्रोन पायलट ही मैं डाल देता हूं, और हम यहां पे क्लिक करते हैं राइट फॉर मी। तो अब ये ब्लॉग पैराग्राफ हमारे लिए जनरेट करेगा इस हेडिंग के लिए। तो यहाँ तक का जो मुझे पैराग्राफ है ये अच्छा लगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं यहाँ पे नोट पैड के अंदर। सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। इसके ऊपर मेरी हेडिंग आएगी, तो मैं यहाँ पे अपनी वही वाली हेडिंग जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये होगी हेडिंग, इसको सेलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ से कर देता हूँ H2 ही कर देते हैं, या फिर हेडिंग 1 करते हैं यहाँ पे। इसके अंदर हमारे पास कॉन्टेंट आ गया। अब इसी तरह से इन सारी हेडिंग्स के ऊपर हमें कॉन्टेंट लिखना है। मैं वापस आ गया हूँ वर्ड हीरो के अंदर और हम इसी ब्लॉग पैराग्राफ को यूज़ करते हुए आगे ये हेडिंग्स क्रिएट करेंगे। यहाँ से रिक्वायरमेंट्स वाली हेडिंग को मैं कट करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करते हैं। कीवर्ड मैं नहीं डाल रहा, मैं यहाँ से राइट फॉर मी करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी हमारा पैराग्राफ आ चुका है कि 16 से ज़्यादा होना चाहिए, और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसे भी कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे आता हूँ अपने नोट पैड के अंदर। नीचे आने के बाद इस पैराग्राफ को भी पेस्ट कर लूँगा और इसके ऊपर मैं इसकी हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने हेडिंग भी डाल दी। एक काम हम और करते हैं, नोट पैड में आते हैं, ये सारी जो हेडिंग्स हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ और नोट पैड में एक बार डाल देता हूँ, ताकि बाद में हम इनके अंदर जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पे डालते जाएं। तो मैं इनको सेलेक्ट करके हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये हमारी हेडिंग्स होंगी और बीच में यहाँ पे कंटेंट आएगा, नॉर्मल टेक्स्ट। सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालूंगा, ड्रोन पायलट। मैंने कीवर्ड ऐड किया है और मैं करता हूँ राइट फॉर मी। ट्रेनिंग से रिलेटेड अब मुझे कुछ चाहिए कि ड्रोन की ट्रेनिंग वगैरह के बारे में हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर। ये हमारे पास आ चुका है, ट्रेनिंग के ऊपर हमें एक कंप्लीट पैराग्राफ मिल चुका है, इसको भी कॉपी करते हैं। मैं डॉक्स में आता हूँ और यहाँ पे ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी ब्लॉग पोस्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। सेम अब ये मैं 3 हेडिंग्स भी यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगा।
ओके, तो इतना हमने कंटेंट लिख लिया है, सारी हेडिंग्स हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त, और तकरीबन ये 700-800 वर्ड्स हो गए होंगे, बाकी हम FAQs वगैरह भी नीचे लिखते हैं तो ये काम हमारा अच्छा हो जाएगा। अब कंक्लूजन हमें लिखना है, तो मैं वर्ड हीरो में आता हूँ। कंक्लूजन आप सेम अपनी कंक्लूजन की हेडिंग को यहाँ पे ब्लॉक पैराग्राफ में डाल के भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप वर्ड हीरो में यहाँ पे कंक्लूजन लिखें और आपको ब्लॉक कंक्लूजन का भी एक टेम्पलेट मिल जाएगा। इसको क्लिक करें, यहाँ पे आप अपना टॉपिक देंगे, मेरा टॉपिक है अब ये, तो मैं इसी को आगे वाले पार्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसके अंदर मैंने पेस्ट किया ब्लॉक कंक्लूजन, अब ये उसे इनपुट जाएगी कि हमें ड्रोन पायलट्स के ऊपर एक कंक्लूजन चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास फाइनल कंक्लूजन का पैराग्राफ भी आ चुका है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट बिकमिंग अ ड्रोन पायलट, देर आर मेनी थिंग्स टू कंसिडर, बट अल्टीमेटली इट्स रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस दैट कैन लीड टू अ सक्सेसफुल करियर। विद द राइट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन यू कैन बिकम अ ड्रोन पायलट एंड ओपन अप अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसे कॉपी करते हैं और ये मुझे अच्छा लगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पैराग्राफ को भी पेस्ट कर दूंगा। कंक्लूजन में हमने लिख लिया, पोस्ट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अफिलिएट आर्टिकल्स लिखने हो विदाउट लॉन्ग फॉर्म तो ये एक बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। इसमें आप स्पेक्स डालेंगे और वो आपको वर्डिंग के साथ प्रोडक्ट का रिव्यू देगा, ये भी एक अच्छा टेम्पलेट है। इस तरह से सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप विदाउट लॉन्ग फॉर्म भी अपना किसी भी किस्म का कॉन्टेंट लिख सकते हैं वर्ड हीरो के अंदर। हम कुछ FAQs लिखते हैं, मैं यहाँ पे टेम्पलेट एक सर्च करता हूँ FAQs का, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं अपना टॉपिक डालता हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और हम करते हैं राइट फॉर मी। यहाँ पे मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। व्हाट क्वालिफिकेशंस आर नीडेड टू बिकम अ ड्रोन पायलट, इसे कॉपी करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ नोट पैड में और मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। जो भी मुझे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे लगते हैं वो मैं नोट पैड के अंदर सेव कर लूंगा। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस यहाँ से पिक कर लिए हैं और ये भी मैंने FAQs के टेम्पलेट को यूज करते हुए लिखे हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, आंसर्स मैं लिखता हूँ और वर्ड हीरो के अंदर मुझे कोर आंसर्स का एक टेम्पलेट मिल चुका है। मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पिक करता हूँ, इसके अंदर एंटर करता हूँ और राइट फॉर मी, तो हमें यहाँ से अपना आंसर भी मिल जाएगा। ये जी आंसर मिल चुका है, टू बिकम अ ड्रोन पायलट यू विल नीड अ लाइसेंस फ्रॉम अ फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, यू विल नीड टू पास अ रिटन एग्जाम एंड अ प्रैक्टिकल टेस्ट। इसे कॉपी करते हैं, यह अच्छा पैराग्राफ हमें मिला, एक सिंपल सा आंसर है, तो ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। फिर सेम इसी क्वेश्चंस का भी मैं इस तरह से आंसर ले लूंगा, यहाँ से आने के बाद वर्ड हीरो मुझे इसका आंसर देगा, हमें खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो वर्ड हीरो को यूज करते हुए मैंने कुछ FAQs और उनके आंसर्स भी ले लिए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे डॉक्स के अंदर और अपने आर्टिकल के सबसे नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और अपना नोट पैड से ये सारे FAQs मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया हमारे FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन है उनको मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, ये हो गया जी बोल्ड। ऊपर मैं एक हेडिंग भी डाल देता हूँ, जैसे कि कंक्लूजन, या कंक्लूजन की जगह ही मैं FAQs यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और एंड में हम यहाँ पे ये एक हेडिंग भी डाल देते हैं जो हमारा मेन कीवर्ड था, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और H1 कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे FAQs भी लिख लिए, कंक्लूजन भी, मेन हमारी जो आर्टिकल है वो भी रेडी हो चुका है। ये सिंपल सा तरीका है, वर्ड हीरो के अंदर आप डायरेक्टली विदाउट लॉन्ग फॉर्म भी कंटेंट लिख सकते हैं। उनके सारे टेम्पलेट्स को आप यूज़ करें, बहुत सारे टेम्पलेट्स इसके अंदर हैं, मैंने सिर्फ 2-3 यूज़ किए और हमें इतना ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पे मिला है। आप सबको ट्राई करें, लिस्टिकल्स चाहिए आपको, बुलेट्स चाहिए और बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करें और विदाउट लॉन्ग फॉर्म भी आप एक ज़बरदस्त कंटेंट अपनी साइट के लिए लिख सकते हैं या सोशल मीडिया के लिए, एड्स कॉपीज, बहुत कुछ आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। लाइफ टाइम डील का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वर्ड हीरो की, जस्ट $89 में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो आप उसे ज़रूर बाय करें अगर अभी तक आपने वर्ड हीरो बाय नहीं किया। बहुत अमेजिंग AI टूल है, आपकी साइट के लिए भी आपको हेल्प करेगा। अच्छा, कल पाकिस्तान मैच जीत गया तो मैंने एक पोस्ट की कम्युनिटी के अंदर के बड़ा अच्छा मैच था और बड़ा मज़ा आया, तो नीचे कुछ लोग लगे हुए हैं, जी आपसे उम्मीद नहीं थी, मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगा, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जी आपका एंटरटेनमेंट का चैनल है और आप ये ऐसी पोस्ट क्यों। मैंने क्या कहा, मैंने कुछ ये तो नहीं कहा कि हमने बहुत मारा और बड़ा रगड़ा चाड़ दिया और ये और वो। हमारी कम्युनिटी के अंदर और भी हमारे इंडियन दोस्त हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक दो बंदे ही होते हैं, चलो ऐसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।